सरकार से भी ऑपरेटर पूछ रहा है कि हम लोग को न्याय कब मिलेगा, हम लोग को एक सही समय से वेतन कब मिलेगा, हम लोग को एक समान वेतन कब मिलेगा। दुर्घटना होने पर हम लोग को एक रुपये का कोई मुआवजा नहीं दे पा रहा है। और ये हम मालिक जो कंपनी हैं, जो ठेकेदार हैं, ये हम सभी को नहीं कहते हैं, लेकिन भारत के 80% मालिक कंपनी ठेकेदार ऑपरेटर पर शोषण करिए। आपका पास काम नहीं है तो आप ऑपरेटर को बैठाते क्यों हैं? जब आपके पास काम नहीं है तो आप बोल दीजिए भी ऑपरेटर को चले जाने के लिए, ऑपरेटर खुशी खुशी चला जाएगा। और लेकिन आप बुलाते कब क्यों हैं जब आपके पास काम नहीं रहता है? बहुत सारे मालिक कंपनी हैं, बुला लेंगे आपको, चलिए आप आइए, हम आपको वेतन दे देंगे। लेकिन जब समय आता है वेतन देने के लिए, उस टाइम बोला जाता है कि काम ही नहीं हुआ है, हम कहाँ से पेमेंट दें? बताइए उसका घर परिवार कैसे चलेगा जो ऑपरेटर है? इस पर एक बहुत सोचना पड़ेगा हर ऑपरेटर को। ऑपरेटर को एक यूनिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। जो ऑपरेटर में भी कुछ कमियां हैं, ऑपरेटर में कमियां क्या है, एक दूसरे को पैर घिसते हैं, एक दूसरे के ऊपर पेट पर लात मारते हैं, ये गलतियां करना बंद कर दीजिए। बहुत सारे ऑपरेटर है कि किसी की नौकरी छीन लेते हैं। ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर 20,000 में काम कर रहा है तो अगला ऑपरेटर 15,000 में चला जाता है काम करने के लिए, तो ये समस्या बहुत बड़ा खड़ा कर दिया। और देखिए, हम सरकार से भी कहना चाहते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर आप खोले हैं पूरा भारत भर में, जितना भी खुला गया है, जो रजिस्ट्रेशन करा के सिर्फ सिखा रहे हैं, लेकिन उनको देखिए, वहाँ पर जो भी ऑपरेटर, हम अगर कोई भी ट्रेनिंग वाला है, हमसे आप चैलेंज लगा सकते हैं कि वहाँ से कोई भी ऑपरेटर अगर मशीन सीख कर आ रहा है तो भैया वो सक्सेस नहीं हो रहा है। मशीन चलाने को चला रहे हैं लेकिन काम नहीं कर पाएगा कोई साइड में, कि हर जगह अलग अलग काम है, अलग अलग वैरायटी के काम है। आप वहाँ पर क्या सिखाते हैं, को बकेट कैसे लोडिंग करना है, उसको मिट्टी अनलोडिंग कैसे सिखा देते हैं? आप यह नहीं सिखा पाते हैं कि भैया मशीन टेलर पर कैसे चढ़ाया जाता है। अब मशीन टेलर पर चढ़ाने के समय लेबलिंग देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, ट्रक को कैसा रनिंग, उस टाइम कितना फंक्शन जो होता है, जो स्टिक का, ट्रक का, बूम का, बकेट का, चार पांच यूज करना पड़ता है उस टाइम टेलर पर चढ़ाने के समय। आप लोग ये बताते नहीं हैं, आप लोग ये नहीं बताते हैं, हम हर ट्रेनिंग सेंटर से बताएंगे कि आपका अगर मशीन कहीं एयर लेने लगे या तो उसके एयर कैसे निकाला जाए, एक इंजन ऑयल चेंज करने के लिए नहीं बताते हैं भाई आप इंजन ऑयल कैसे चेंज होगा, कोई अगर रिपेयर आ जाए छोटा मोटा रिपेयर तो हमेशा तो मैकेनिक तो नहीं आएगा, इसके लिए ऑपरेटर ही करेगा ना, तो ये सब तो भी बताना फर्ज बनता है ना। अगर सक्सेसफुल ऑपरेटर बनना है तो हेल्पर ही करिए, ट्रेनिंग में मत जाइए प्लीज़, ठीक है। और हम कहना चाहते हैं भारत के हर ऑपरेटर से, समस्त भारत के ऑपरेटर से, एकता बनाइए, यूनिटी बनाइए। इसके लिए आपको एक संस्था बना है, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, इससे जुड़िए। इससे जुड़ने से आपको लाभ है, एकता बनेगा। जब तक ऑपरेटर में एकता नहीं बनेगा, जब तक आपको एक 25,000-30,000 सैलरी नहीं मिल सकता है। बहुत सारे ऑपरेटर कमेंट करते हैं कि भैया हम 25,000 सैलरी होना चाहिए, 30,000 सैलरी होना चाहिए, 40,000 सैलरी होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है ना। क्यों नहीं हो पाता है? कि आप धरातल पर काम नहीं करते हैं, केवल फेसबुक पर, यूट्यूब पर बोलने से तो नहीं होगा ना। अगर हम जो बोल देंगे तो उसको बोलने से नहीं होगा ना, उसको धरातल पर काम करना पड़ेगा। हर ऑपरेटर को साथ देना पड़ेगा और साथ आना पड़ेगा। हम खुद एक ऑपरेटर हैं, हम खुद एक 12 साल मशीन चलाए हैं, हम सब समस्या को झेल चुके हैं। बारिश आता था ना तो मशीन के नीचे तिरपाल होता है ना, तिरपाल ओढ़ के सोए हैं, बिस्किट खा के सोए हैं, मशीन पर आना पड़ता था। जंगल झाड़ में कब सांप आया, क्या हुआ पता नहीं। 24 घंटा ड्यूटी था, 8 घंटा आपको, 8 घंटा का सैलरी मिलता था आपका। बताइए, ये सब शोषण हो रहा ना, ऑपरेटर पर शोषण हो रहा है ना। बहुत सारे कंपनी में है ऑपरेटर,
वहाँ पर भी शोषण हो रहा है, ये बात नहीं कि जो कंपनी में उनके ऊपर शोषण नहीं हो रहा है। एक ऑपरेटर का पेमेंट फंसा था महाराष्ट्र में, वहाँ का वो मालिक है वो बोले कि भैया आप जो भी कर लीजिए हम आप ये ऑपरेटर का पेमेंट नहीं देंगे, आप प्रधानमंत्री से भी कॉल लगा दीजिए तो हम बताइए। वो अब मालिक बोल रहा है कि भैया प्रधानमंत्री से भी कॉल लगा लीजिए, हम आपका सैलरी नहीं देंगे। बताइए वो मालिक कितना दबंग है, काम करवाने के समय काम करवा लेते हैं, एक गरीब को सताया जा रहा है, एक मजदूर को सताया जा रहा है, जो मजदूर अपना घर परिवार कैसे चलाए, घर परिवार चलाना उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। जब आप काम करके उनको अगर वेतन ही मिलेगा तो फिर उनका घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए हम सभी ऑपरेटर से कहना चाहते हैं कि ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन से जुड़िए। और मैं कौन हूँ हम बता देते हैं अपना डिटेल्स। नमस्कार, मेरा नाम बबलू कुमार है और मैं बिहार के सिवान जिले के रहने वाला हूँ। जितना ऑपरेटर से हो सका उतना सहयोग किया और इसको हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए 9 फरवरी को, इसका हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए 9 फरवरी 2021 में। और इसका उद्देश्य यही है, ऑपरेटर को एक सही समय से वेतन दिलाना, ऑपरेटर को एक समान वेतन दिलाना, ऑपरेटर में एक एकता बनाना, ऑपरेटर को एक जागरूक करना, ऑपरेटर को दुर्घटना होने पर उनके परिवार को एक आर्थिक सहायता दिलाना और देना भी, केवल दिलाना नहीं देना भी। एक फंड रेस करके जो क्राउड फंडिंग होता है, क्राउड फंडिंग करके उनके परिवार को एक आर्थिक सहायता दिया जाए ताकि उनके परिवार है जो दुखद परिस्थिति में रहते हैं उसे उभर सके और आने वाले भविष्य में भी उनको एक सहायता किया जाए। बहुत सारे ऑपरेटर बहुत मैंने दिक्कत होता है ऑपरेटर को, ऑपरेटर का जो समस्या है कोई नहीं उठा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऑपरेटर एक तरह सहायता फाउंडेशन उठा रहा है तो इसका साथ देना पड़ेगा आप सबको। आप सब जुड़िए ऑपरेटर एक तरह सहायता फाउंडेशन से। और YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में दिक्कत क्या हो रहा है, एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं, कोई फेक नहीं है, ओरिजिनल है, वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बेटों को ये मन में चलता है ना कि भैया ओरिजिनल है कि फेक है, ये खाली बड़ा बात कर रहे हैं, तो ये नहीं, यह एक धरातल पर काम किया है, ठीक है। और यह हर जगह बैठक भी किया है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, महाराष्ट्र के जलगांव में मीटिंग किया हुआ है, आपके बिहार के मुजफ्फरपुर में, बिहार के सिवान जिला में, झारखंड के कोडरमा में, बरही में 2-2 बार, उसके बाद बंगाल में 2 बार, उड़ीसा में 2 बार मीटिंग हुआ है। ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन से कैसे जुड़ना है हम बता देते हैं पूरा डिटेल्स में, शॉर्टकट में बता दें। देखिए ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आपको एक सहयोग करना पड़ेगा, एक सहयोग राशि देना पड़ेगा जिसका जो फीस है 500 रुपये, मात्र 500 रुपये इससे जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए जब आप सहयोग नहीं करिएगा तो फिर संस्था चल नहीं पाएगा, आपका सहयोग से ही संस्था पूरा चल रहा है और आपका मदद कर पा रही है। जब आप सहयोग करिएगा तो उसके एक हफ्ते के अंदर आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन में, यहाँ पर पूरा डिटेल्स रहेगा, ठीक है। ये ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का आईडी कार्ड है, आपको आईडी कार्ड मिलेगा। और जो ये बेल्ट है ना, ये जो बेल्ट है और ये जो फ्रेम है, ये आप कभी भी अगर मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग में आपको मुफ्त में दिया जाएगा। आप लोग जुड़िए और एकता बनाइए और अपना क्षेत्र में मीटिंग करिए, बैठक करिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप हमको कॉल करके बताइए, हम वहाँ पर जरूर आएंगे, आपको जो भी जानकारी लेना है पूरा जानकारी दिया जाएगा और आपका जो भी मन में सवाल होगा सवाल को जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, ऑपरेटर एकता जिंदाबाद।